हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि रिसेंटली एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली गई है जिसके थ्रू हम कैपेसिटर का यूज करके लैपटॉप और फोन्स को एक मिनट में चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि चार्जर का पावर बढ़ाकर हम बैटरी को फास्ट चार्ज क्यों नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली लिथियम एंड बैटरीज में दो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स लिथियम और कोबाल्ट की प्लेट होती है जिनके बीच में कंडक्टिंग मीडियम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। जब हम बैटरीज को चार्ज करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स के रिएक्टिव होने के कारण ये आयंस बना पाते हैं और इसके अंदर कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर लिथियम तक पहुंचते हैं और पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट से होकर के दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंचने में सफल हो पाते हैं। इस तरह हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। अगर हम बैटरी को हाई वॉट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू अधिक हो जाएगी और हाई करंट के कारण सर्किट में करंट का इंटरफेरेंस होगा जो कि इंसुलेशन के अगेंस्ट जाकर के बगल वाली सर्किट में शॉर्ट सर्किट कर सकता है। वहीं अगर हम सुपर कैपेसिटर की बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक सेमी परमिएबल फिल्म होती है। इन प्लेटों के बीच में एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें आयंस होते हैं। जब हम इन्हें चार्ज करते हैं तो यही आयंस ऑपोजिट प्लेट पर जाकर चिपक जाते हैं जिससे कैपेसिटर फुल्ली या इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है। सुपर कैपेसिटर का यूज करके इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट अंकुर गुप्ता ने कैपेसिटर के प्लेट पर 3D प्रिंटिंग की हेल्प से इतने फाइन पोर्ट्स बनाकर इसे चार्जिंग के लिए यूज करने का कॉन्सेप्ट दिया है जो न केवल इंस्टेंटली चार्ज होता है ये बैटरी को भी रिप्लेस करता है। जहां बैटरीज में लगे इलेक्ट्रोड रिएक्टिव मेटल होने के कारण टाइम टू टाइम इसकी परफॉर्मेंस वीक होती है, वहीं सुपर कैपेसिटर में रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता इसलिए इसकी परफॉर्मेंस काफी लंबी चलेगी। अमेजिंग आइडिया राइट। तो चाइना की कंपनी ने कुछ मंथ पहले एक ऐसी बैटरी बना ली है जो कि 50 साल लाइफ स्पैन तक चल सकती है। आपको उसका नाम बताना है।